हाय, आई एम शिवांगी देसाई, आई एम अ पेरेंटिंग कोच। और आप जो अभी तक डिजाइनर केक्स या बहुत सारी सरप्राइज पार्टीज, खिलौने, तोहफे सब देते थे ना, उसका एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट आता है, और वो है, वो एक रिसीविंग मोड में आ जाता है। यानी कि कहीं ना कहीं हम उसे पाना सिखा रहे हैं। जैसे ही बर्थडे आती है ना, उसका पहला थॉट जो है वो यही आता है, इस बर्थडे पे मुझे क्या मिलेगा, कौन सा नया गिफ्ट मिलेगा, कौन सी नई केक मिलेगी। कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्ट करना शुरू कर देता है। 7 नुकसान होते हैं जब वो बच्चा रिसीविंग मोड में आ जाता है। सबसे पहला, जैसे मैंने कहा, एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। अगर पहले साल पे उसे 5,000 की पार्टी दी, 5 साल पे उसे 25,000 की पार्टी दी, 10 साल पे 50,000 की, तो ऑब्वियसली जब 15 साल का होगा तो 1,00,000 की पार्टी तो मांगेगा ही मांगेगा। या 1 साल की उम्र पे उसके लिए खिलौने दिए, 5 साल की उम्र पे उसके लिए हॉट व्हील्स दिया या बारबी डॉल दिया, तो 15-20 साल पे वो आईफोन का एक्सपेक्टेशन तो करेगा। कहीं ना कहीं हम उसे सिखा रहे हैं कि कैसे एक्सपेक्टेशंस को बढ़ाना। दूसरा, जिद करना वो शुरू कर देगा कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। गुस्सा करना शुरू कर देगा जब उसके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक चीजें नहीं होती, या अपसेट होना शुरू हो जाएगा। या उसके साथ साथ 2 D ऐसे हैं जो डेंजरस है उसके लिए, और वो है डिमांडिंग। वो डिमांड करना शुरू कर देता है कि मम्मी मुझे तो बारबी डॉल ही चाहिए, मम्मी मुझे तो ये वाला साइकिल ही चाहिए। या वो डिपेंडेंट रहता है उसकी खुशी के लिए दूसरों के ऊपर। जिस दिन उसे ज्यादा विशेज नहीं आते हैं या तोहफे नहीं आते, उस दिन वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है। या उसी के साथ साथ जो सबसे बड़ा नुकसान होता है ना, वो है वो सेल्फिश बनना शुरू कर देता है। उसको यही लगता है कि मुझे क्या मिलेगा, उसका पूरा फोकस उसके ऊपर ही रहता है। और उसी की वजह से वो जब बड़ा होता है ना, तब जो 2 भाइयों के बीच में प्रॉपर्टीज के लिए झगड़े हो, या कोई भी बात के झगड़े हो, या तेरा या मेरा वो जो माइंडसेट आ जाता है, वो शायद इसी का नतीजा हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ऐसा बिल्कुल भी ना करे और हमेशा अच्छी क्वालिटीज को अपने साथ रखे, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करनी है, क्योंकि उसका बर्थडे जो है साल का सबसे यादगार दिन होता है। उस दिन वो जो करता है वो उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में फिट हो जाता है, और वो उसके धीरे धीरे संस्कार बनने लगते हैं। तो अच्छे संस्कार देने के लिए सबसे बेस्ट तरीका अगर है, तो उसकी बर्थडे के दिन उसको कोई ना कोई एक्ट ऑफ काइंडनेस करवाइए। एक्ट ऑफ काइंडनेस का मतलब क्या होता है? उसका मतलब है, आप किसी ना किसी को जब मदद करते हैं, किसी की सेवा करते हैं, यानी कि अगर मैं खुद का एग्जांपल दूं, मैं जब छोटी थी तब मेरे मम्मी पापा मुझे हमेशा हर बर्थडे के दिन ऐसी जगह पर लेकर जाते जहां पर मेरे हाथ से कुछ ना कुछ डोनेट करवाते। वो हो सकता कोई ब्लाइंड स्कूल या डेफ एंड डम स्कूल या ऑर्फनेज, यानी कि अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, गरीब बच्चों के वहां लेकर जाते, और मेरे हाथ से स्टेशनरी या तो कोई चॉकलेट्स हो सकता है, खाना हो सकता है, ऐसा कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूट करवाते। और उसकी वजह से आपको नहीं लगता कि वो जब आप करते हैं तो आपके बच्चे के अंदर ग्रैटिट्यूड यानी कि आभार होना, उसकी भावना आ जाती है, उसको यही फील होता है कि वो कितना लकी है, उसके पास कितनी सारी चीजें हैं। जब वो गरीब बच्चों को वो पेंसिल का बॉक्स देता है ना, तब उसे ये फीलिंग आता है कि यार सामने वाले के पास तो एक पेंसिल तक नहीं है, और मेरे पास तो कितनी सारी चीजें हैं जो मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो उसे यही फीलिंग आता है कि वो ब्लेस्ड है। आपको वो थैंक यू बोलेगा, भगवान को थैंक यू बोलेगा, या उसी के साथ साथ वो कंप्लेन करना ही बंद कर देगा, क्योंकि वो वही देखेगा कि यार जो जिसको मैं बांटने को गया था चीजें, उसके पास तो ढंग के कपड़े तक नहीं है, चप्पल तक नहीं है, और अगर मेरे पास इतनी सारी चीजें हैं तो मैं कंप्लेन कैसे कर सकता हूँ। तो आपके बच्चे को बर्थडे के दिन एक गिवर बनना सिखाइए। और यही बात को आइए हम एक छोटी सी कहानी के द्वारा समझते हैं। एक बार एक इंसान स्वर्ग और नर्क का फर्क देखना चाहता था, तो सबसे पहले पहुंच गया नर्क में। वहां पर जाता है तो चौंक जाता है, क्योंकि वहां पर 56 भोग रखे गए थे, बहुत अच्छा माहौल था। बट जैसे करीब जाता है, उसे पता चलता है कि वहां पर जितने लोग थे सब फ्रस्ट्रेटेड थे, और वो इसीलिए कि 56 भोग तो रखे गए थे पर उनके हाथ के साथ एक लकड़ी बांधी गई थी, सीधी लकड़ी, एक स्टिक, कि जिसकी वजह से वो अपने हाथ को मोड़ ही नहीं सकते थे और वो खाना ही नहीं खा रहे थे। और इसीलिए वो सभी लोग फ्रस्ट्रेटेड थे, क्योंकि सभी स्ट्रगल कर रहे थे कि कैसे वो हाथ मोड़े और वो खाना खा सके। अब वो जाता है स्वर्ग में,
स्वर्ग में भी उसे सेम माहौल दिखता है, 56 भोग रखे गए हैं। तो वहाँ पर करीब जाता है, देखता है कि उनके हाथ के साथ भी एक लकड़ी बंधी हुई थी, बट फिर भी वो सभी लोग खुश थे। कैसे? क्योंकि वहाँ पर सभी एक दूसरे को खाना खिला रहे थे, और इसीलिए वो सभी सामने वाले के बारे में जब सोचते हैं, गिविंग के बारे में जब सोचते हैं, वहीं पर उनका स्वर्ग बन जाता है। हमें एक्चुअली ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मरने के बाद क्या होगा, बट आपके बच्चे को ये सिखाइए कि जीते जी कैसे वो स्वर्ग बना सकता है, और वो एक बहुत ही आसान तरीके से हो सकता है, गिविंग के द्वारा, देने के द्वारा, ऐसे लोगों को कि जिन्हें जरूरत है। तो आपके बच्चे के अगले बर्थडे पे आप क्या करने वाले हैं, जरूर कमेंट में लिखिए और बताइए मुझे कि कैसे आप उसे देना, एक गिवर बनना सिखाने वाले हैं। और अगर आप चाहते हैं कि लालच से भरे नहीं बट निस्वार्थ भाव से भरे हम बच्चों को तैयार करें इंडिया में, और एक नया इंडिया तैयार करें, तो